व्हाट्स अप एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ना जाने लगे हैं मेट्रो सिटी, क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो लगाई थी, उसमें कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए थे और वायरल भी हुई थी। तो लोग कहते हैं जी उधर का एक ब्लॉग पूरा बनाओ। मैंने सोचा बैठ के क्या बताना, थोड़ा दिखा देते हैं आपको। तो उधर भी जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा मालूम मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जा रहे हैं उधर, लेकिन इस भाई साहब ने लेट करा दिया हमें, मगर अब होने वाली है, टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। यानी इतना ज़्यादा दूर नहीं है, 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, ठीक है। तो उधर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सारा। अभी हम ना ज़रा पिया तो बात फोन किया नए पुल पे, ठीक है। इधर से आप नज़दीक ही रहेंगे, मतलब इतनी भी दूर नहीं है, सराई से थोड़ी सी आगे। तो दिखाते हैं फिर, ये ब्लॉग क्या बनाई ना गाइस। हम जा रहे थे आपकी खातिर, ये हम जलालत खा रहे हैं, देख लें। सिर्फ आपके कहने पे मैं जा रहा हूँ। आपके कहने पे अब हम पेट्रोल तो नहीं ना दी एंड करवा सकते। ऐ बंदा इतना काट रहा हूँ, मैंने इतना काट रहा हूँ, मैं इतना कोई साफ नहीं। पेट्रोल पंप से टूर गया उधर राज सीधे, कहता है जी नहीं अब पवा लेना, वो पसीना करेंगे, कहते अब पवा लेना है बंदा। वो डर रहा हूँ मैं, कसम लै लो, वो डर रहा हूँ बंदा। हम पंप से पहुँच गया, ठीक है, लाइन लगी हुई है, 2 मिनट लगन गए खाली। ना 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 ना, इंतजार से कर रहे ही नहीं, सर बात उतार के दिखाए ना अपना नूरानी चेहरा। ये हम जेलम के टूल प्लाजे पे पहुँच गए, अभी इधर से नए पुल पे चढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ से हम जाएंगे सीधा फिर सराई, सराई से खा रही हैं। ओ नहीं था, तो अभी फिलहाल इधर रुके हुए हैं। तो जी इधर हम ना मेट्रो सिटी पहुंच गए, तो इधर हालात देख सकते हैं, हर चीज़ साड़ी भी है इन्होंने, पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई है, सख्ती हुई हुई है इधर। तो वीडियो अंदर तो जाने नहीं देंगे, अब देखो बाहर से कोई थोड़ी बहुत बना बनोगे आपको दिखाते हैं, और कोई बताते हैं आपको स्टोरी, ठीक है। पुलिस काफ़ी ज़्यादा इधर खड़ी हुई, जदू आपकी भी देखी जाएगी। ये जी देख सकते हैं इस टाइम, गाइस इधर ना काफ़ी ज़्यादा सख्ती है, जिसकी वजह से उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया हमें, ठीक है। तो सारे गेट बंद किए हुए हैं, अंदर काफ़ी ज़्यादा ना हालत ख़राब है, सारी चीज़ें साड़ दी उन्होंने, माल पूरा साड़ के रख दिया, हर चीज़ तोड़ तोड़ दी है। तो काफ़ी ज़्यादा इधर पुलिस खड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे। कोशिश की है लेकिन नहीं उन्होंने जाने दिया। तो आपको ये सारी स्टोरी बताऊंगा ठहर के ज़रा, तो पहले चलते हैं घर। लाइट कोई नहीं थी, तो मतलब कि ना अंधेरा हो गया था, शाम हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने वहाँ पे आपको सारा कुछ नहीं बताया ना एंड किया। तो सीन कुछ उधर का जो हमें पता लगा वो ये है कि
कुछ गांव के बंदे थे, कुछ ज़मीन वगैरह का मसला था, तो उसकी वजह से थोड़ी दुश्मनी उनकी चाह रही थी उन्होंने, उस वजह से ना मारा शारा, फिर आग सारी लगा दी, पूरे मेट्रो सिटी को आग लगा दी है, तबाह कर दी है, तोड़ छोड़ के सारी दुकानें तोड़ दी हैं, मतलब अंदर के जो चीज़ें थी वो सारी जला दी हैं, किसी का कोई लिहाज नहीं किया, कोई बल्ब तक नहीं छोड़ा उन्होंने लोगों ने। तो सुनने में ये आया कोई गांव के लोग थे उन्होंने ये सब किया, तो अब बात पूरी अंदर की हमें भी नहीं पता, ये भी नहीं पता कितने बंदे उधर जामबाग हुए हैं, क्या हुआ है, जख्मी कितने हुए हैं, कुछ अभी नहीं पता लग रहा। आज उधर गए थे हम, क्या कुछ पता ही लग जाए थोड़ा बहुत, लेकिन उधर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा थी, पुलिस इतनी ज़्यादा थी जिसका कोई हिसाब नहीं। थोड़ी बहुत तो वीडियो में भी नज़र आ गई कि वो एक साइड पे मैंने वीडियो भी बनाने लगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, फिर अंदर जाने लगे, अंदर से भी मना कर दिया, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हुई थी आज, तो जिसकी वजह से उधर का दिखा नहीं आपको सके। आगे की रिपोर्ट अब देखो क्या मिलती है, बाकी अल्लाह खैर करे, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।